हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शैली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको आटे और सूजी का हलवा बनाने की विधि बताने जा रही हूं, जिसमें मैंने आटे और सूजी के साथ साथ बेसन का भी इस्तेमाल किया है। इन तीनों को मिलाकर बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो हम बनाना शुरू करते हैं आटा और सूजी का हलवा। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप आटा, जिसको मैंने पहले ही छान लिया है, आधा कप सूजी, दो बड़े चम्मच बेसन, तीन चौथाई कप देसी घी, एक कप चीनी, 8 से 10 कटे काजू और बादाम, 10 से 12 किशमिश, एक बड़ा चम्मच सूखा नारियल कटा हुआ और 3 कप गर्म पानी। सबसे पहले हम गैस ऑन करके पैन को गर्म करेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे और घी को गर्म करेंगे। घी गरम हो चुका है। अब हम गैस को मीडियम करके आटा, सूजी और बेसन तीनों को एक साथ मिलाकर भुनेंगे और चम्मच से लगातार चलाते हुए इन तीनों को हल्का ब्राउन होने तक भुनना है। गैस को मीडियम ही रखना है, बिल्कुल भी तेज नहीं करना। इसे लगातार चलाते हुए 15-20 मिनट तक और किनारों से घी निकलने तक भुनना है। आटे का हल्का सा रंग चेंज हो गया है, लेकिन हमने आटे को इसी तरह से लगातार चलाते हुए और भुनना है। आप देख सकते हैं कि आटे का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से अच्छी महक भी आने लगी है। अब हम आटे में पानी और चीनी डालकर मिलाएंगे। गैस बिल्कुल धीमी कर दें। अब हम इस भुने हुए आटे में आटे की मात्रा का 3 गुना पानी मिला देंगे और साथ ही चीनी भी मिला देंगे और आटे को लगातार चलाते रहें ताकि आटे में गुठलियां ना पड़ें। अब हम इसमें कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश और नारियल मिला देंगे। हलवे को बिल्कुल धीमी आंच पर पकने दें और हलवे को चम्मच से लगातार चलाते रहें ताकि हलवा पैन के तले में ना लगे। हलवा गाढ़ा होने के बाद ऊपर से एक छोटा चम्मच घी डालकर मिलाएं और चम्मच से चलाते हुए पकाएं। हलवा गाढ़ा हो चुका है और पैन के किनारों से भी नहीं चिपक रहा है। हलवा बन चुका है और गैस बंद कर दें। आटे और सूजी का स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार है। आटे और सूजी के हलवे को बाउल में निकालें और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। गर्मा गर्म आटे और सूजी का हलवा परोसिए और सबको खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।